तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं WWE 2K16 में 2K का शोकेस और ये उसका पार्ट नंबर 3 है। तो भाई ये करियर मोड है या मान के चलो कि ये करियर हाइलाइट्स है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का और अभी मैच होने जा रहा है रॉक के साथ WWE चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इस मैच में मिस्टर मैकमैन रहेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि स्टोन कोल्ड को WWE चैंपियन बनने नहीं दें। तो भाई जब तक ये एपिसोड शुरू हो रहा है तब तक आप लोग वीडियो को एकदम फटाफट लाइक करो और नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। रॉक आ रहे हैं WWE चैंपियन। यार रॉक हील सुपरस्टार थे ना, कॉर्पोरेट चैंपियन थे, यानी कि अथॉरिटी चैंपियन भी आप बोल सकते हो। और स्टोन कोल्ड का भी जीतना है उनसे चैंपियनशिप, लेकिन मिस्टर मैकमैन भी इस मैच में इन्वॉल्व रहेंगे तो जीतने तो देंगे नहीं इतनी आसानी से। तो चलिए देखते हैं स्टोन कोल्ड क्या जुगाड़ निकालते हैं मिस्टर मैकमैन के लिए। मिस्टर मैकमैन यार रिंग के नीचे खड़े हैं मिस्टर मैकमैन सूटेड बूटेड। और अच्छा भाई ये कौन है? मेरे को लगता है भाई ये केन शैमरॉक भी खड़े हुए हैं साथ में। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है डैमेज द रॉक। भाई ये तो सबसे आसान ऑब्जेक्टिव लगता है, बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव है। नहीं तो कुछ कुछ इतने ज्यादा ट्विस्टेड ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं ना कि करने में दिमाग खराब होता है। भाई आज मुझे इतना पता है कि 2K16 में हम लोग एक मैच खेलेंगे जो कि बहुत आप लोगों को मजा आएगा और हम लोग चाहते थे कि 2K की गेम्स में आगे वो मैच रहे और वो मैच है बरीड अलाइव मैच। तो अभी देखना हो सकता है इसके बाद हो। फिलहाल अभी रॉक को डैमेज करना है, थोड़ा सा और बच गया डैमेज करना। मैंने सोच लिया भाई अगर मिस्टर मैकमैन इन्वॉल्व हुए तो स्टोरी में तो स्टोन कोल्ड मारेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर मारूंगा। एक मैच तो मिस्टर मैकमैन के साथ बनता है यार क्योंकि स्टोन कोल्ड का करियर हो। अच्छा अगला ऑब्जेक्टिव है थ्रो द रॉक इनटू द रिंग। अच्छा रॉक खुद से चलेगा, वाह यार ये लोग तो जानबूझ के ऑब्जेक्टिव पूरा करवा रहे हैं। केन शैमरॉक टू गिर, मिस्टर मैकमैन का साथ देते हैं। रॉक को अंदर लेके जाना है यार, ये ऑटो टारगेट वाला था, ऑटोमेटिक टारगेट वाला ना सिस्टम खराब है यार, चेंज करना मैं बार बार भूल जाता हूँ। गजनी मेमोरी मेरी भाई, गजनी ओपी कर लो भाई एक बार चैट में यार, गजनी हो जाता हूँ मैं, याद करके रखता हूँ फिर भूल जाता हूँ। ठीक है ये ऑब्जेक्टिव खत्म। हाँ तो मिस्टर मैकमैन के साथ एक मैच तो हो गई भाई, एक क्या मुझे लगता है 2-3 मैच होंगे। हिट अ सेकंड रोप एल्बो ड्रॉप ऑन द रॉक। अच्छा ठीक है, एल्बो ड्रॉप करना है रॉक के ऊपर सेकंड रोप से, तो ठीक ही ठाक ऑब्जेक्टिव है। रॉक एक सेकंड भाई ऑब्जेक्टिव पूरा करने दो ना रॉक, यार लिमिटेड रिवर्सल है, अपना रिवर्सल खत्म नहीं करवाना है। रॉक थोड़ा पीछे जाना, अरे नहीं यार रॉक को गिरा ही के एल्बो ड्रॉप दे सकता हूँ, अब दे सकता हूँ भाई, बस रॉक खड़े मत। अरे ऑटोमेटिक टारगेट मनहूस, मिस्टर मैकमैन की तरफ टारगेट हो गया यार, या केन शैमरॉक की तरफ पता नहीं, दोनों में से किसी एक की तरफ यार ये ऑटोमेटिक टारगेट की वजह से ना, मैनुअल करना है मुझे, मैं भूल जाता हूँ। ऐसे मैच के बीच में ही कर सकता हूँ लेकिन छोड़ो हटाओ, उतना जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। रॉक बहुत पीट रहे हैं, रॉक ऑब्जेक्टिव पूरा करने दो, मेरे सारे रिवर्सल खत्म हो चुके हैं भाई लोग। अब रॉक अगर रॉक ने मुझे पकड़ लिया इतना पीटेगा ना भाई, इतना पीटेगा ना, क्योंकि मेरे पास रिवर्सल है ही नहीं। रॉक था सिग्नेचर दे दिया है, ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं यार जल्दी से, इससे पहले मिस्टर मैकमैन कुछ 3-5 करे। रॉक हाँ सेकेंड रोप से एल्बो ड्रॉप, बूम हो गया डैमेज द रॉक। अरे ठीक है डैमेज द रॉक तो अभी तो आराम से डैमेज कर सकते हैं, एक स्टनर भी है अपने पास तो स्टनर दे ही देते, बचा के क्या करेंगे। फुल डैमेज होना चाहिए था यार, फिनिशर दिया है भाई, अभी भी आधा डैमेज। अच्छा ठीक है थोड़ा सा और पीटना होगा, रॉक की हेल्थ खत्म ही है यार। ये केन शैमरॉक को लेके आया ना मिस्टर मैकमैन, मुझे पूरा 100% यकीन है कि इतनी आसानी से तो जीतने देने वाले है नहीं, अकेले रहते तो शायद उनको गिरा उड़ा के जीत जाते स्टोन कोल्ड। रॉक अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, चल बस एक दो लात और मारनी है मेरा काम हो जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा, डैमेज हो ही गया रॉक, अगर इसके बाद भी नहीं हुए तो एक लात मारूंगा और काम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। नहीं हुआ है ठीक है, एक लात और ये खत्म। स्ट्राइक द रॉक इन द रिंग। अच्छा भाई कुछ स्टोरी दिखाएगी और उसमें QTE भी खत्म करना है, तो एक पंच, अरे रिवर्स क्यों कर दिया रॉक यार, ये वाला कंप्लीट करने देते ना मुझे, कुछ स्टोरी दिखाई भाई, जैसे ही मैं रॉक को पंच मारूंगा, रॉक के पास फिनिशर आ चुका है, ये गलत साइन है मेरे लिए। रॉक सारे मैच में पीट रहे थे, इनके पास फिनिशर कैसे आया। अरे भाई यार पीपल्स एल्बो लगा दिया यार रॉक ने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हेल्थ मेरे पास बहुत ही ज्यादा है अभी, अभी तो ग्रीन हेल्थ में हूं मैं, तो पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए, पिनफॉल करवा रहे हैं। अरे हार मत जाना यार, 1-2 ठीक है किक आउट कर दिया। रॉक को यकीन नहीं हो रहा, क्यों नहीं यकीन हो रहा, ऐसे भी कुछ मारा है नहीं मैच में।
रॉक एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूरा करने देते ना, इतना लंबा खिंचवा दिया। चलो ठीक है, अब स्ट्राइक करते हैं भाई रॉक को, कुछ स्टोरी दिखाएगी। अब मुझे बटन्स पे भी ध्यान रखना है क्योंकि QTE खत्म करना है वरना कुछ अनलॉक होने वाला रहेगा वो नहीं होगा। रिवर्स कर दिया स्टनर, रॉक बॉटम और एक्स दबाना था, दबा दिया मैंने और मैंने भी रिवर्स कर दिया है। बूम, पिनफॉल पिनफॉल पिनफॉल। रेफरी यार उधर से पिनफॉल करना है ठीक है, वरना ये लोग पक्का खींच लेंगे। रेफरी भाई प्लीज उधर ही से पिनफॉल करना यार। नहीं नहीं नहीं, रेफरी मनुष्य इधर आएगा पिनफॉल। अरे रेफरी उधर था, देखो ये चीटिंग हुई ना, ये गलत दिखाया भाई, ये गलत दिखाया रेफरी। अरे अंडरटेकर क्या कर रहे हैं, अंडरटेकर बचाने आए क्या? थैंक यू अंडरटेकर, पर अंडरटेकर शवल लेके आ रहे हैं यार, पता नहीं। केन शमरॉक नीचे गए, अंडरटेकर मारने वाले यार मेरे को यार। अंडरटेकर नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। बेल बच गई, स्टोन कोल्ड डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं अंडरटेकर के साथ। अब बरीड अलाइव मैच फिक्स है भाई, अब तो होगा मुझे लगता है नेक्स्ट। इसके बाद पॉल बेरर भी हैं। अरे रोक दिया पॉल बेरर ने, क्यों रोका? अच्छा लगता है मुझे मैच आगे मिलेगा इसलिए अभी मारने से रोक दिया है। अंडरटेकर सर ये गलत काम किया यार, अंडरटेकर से राइवलरी चल रही थी ना उस टाइम पे यार, डिस्क्वालीफाई करवा दिया। रॉक लेके जा रहे चैंपियनशिप, कोई बात नहीं। अंडरटेकर सर आ जाओ, अब तो हो जाए एक बरीड अलाइव मैच, तैयार हूं मैं। अंडरटेकर को वार्निंग भी दे दी स्टोन कोल्ड ने, तो भाई चलो खेला जाए, अब बरीड अलाइव मैच का टाइम है। अंडरटेकर वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, हु विल बी बरीड अलाइव। भाई कौन लगता है, क्या लगता है? ये वाली कहानी मुझे याद नहीं है अच्छे से, तो देखनी पड़ेगी। अंडरटेकर आ रहे पॉल बेरर के साथ, पॉल बेरर रोते हुए आ रहे होंगे जरूर। ओह यार पता नहीं कैसे बोलते थे पॉल बेरर। आ जाओ सर, जल्दी आओ यार, ये मैच होना चाहिए 2K22 में, क्या बोलती भाई फेल गेम फैमिली? ये वाला होना चाहिए, नहीं ऐसे अगर स्टोरी के अंदर दे सकते हैं ये लोग, और पुराने गेम्स में तो था ही। अनाउंस भी हो गया कि बरीड अलाइव मैच है। चलो ठीक है, स्टोन कोल्ड का आने का टाइम हो गया भाई, बजाओ म्यूजिक। आइए अंडरटेकर सर, ये देखो भाई दिख गया कहाँ पे बरीड अलाइव करना है, ग्राउंड पहले ही से खोदा हुआ है, उसके अंदर जाएगा कौन? स्टोन कोल्ड देख रहे वहीं पे, यहीं पे होगा क्या मैच स्टार्ट? अच्छा ऐसे, अच्छा है यहाँ पे होना चाहिए मैच स्टार्ट। ये देखो फिर अंडरटेकर को उकसा दिया, अंडरटेकर आ रहे हैं यार, ये नहीं करना चाहिए, ये सब अंडरटेकर की स्पेशलिटी वाले मैच थे। स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग में जाने वाले हैं क्या कोई अंदर यार, मैच शुरू होने से पहले ही। ये अच्छा है कि यहीं पे मैच शुरू हो रहा है ठीक है, ये अच्छी बात है, ज्यादा हम लोग को बार बार यहाँ आना नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऊपर जाने को ऑप्शन देंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। देखते हैं ट्राई का, ओ भाई साहब बैरिकेड से नहीं मार पाए और अपने ऊपर गिरवा लिया, वाह। अरे नहीं नहीं सर, यार अंडरटेकर तो कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं। पॉल बेरर भी खड़े हैं साथ में इन्वॉल्व होने के लिए। यार ये लोग डैमेज दिए अंडरटेकर बोलते हैं, मुझे लेटा दिया अंडरटेकर, पीटे जा रहे हैं और ऊपर से बोलते हैं डैमेज दिए अंडरटेकर, वाह सही है। पहले अंडरटेकर छोड़े मुझे तब तो, मारना नहीं। हाँ रिवर्स, फाइनली रिवर्सल पे खास नजर रखनी है वरना पता चला मैं ऊपर मैं जाने का ट्राई कर रहा था, ऑप्शन नहीं भाई। हाँ ऊपर जाने का ऑप्शन नहीं दिया है, ये लोग जान रहे थे कि अगर ऊपर जाने का ऑप्शन देता तो हम लोग स्टोरी के बिना ही मैच खत्म कर देते, लेकिन जब इतना अच्छा बना सकते हैं भाई तो मैच के अंदर देने में क्या जा रहा है? क्योंकि प्लीज ये मैच रखना यार, और भी एक दो मैच जो पुराने गेम्स में थे जैसे इन्फर्नो मैच, कैस्केड मैच, और भी आप लोग बताना कमेंट करिए किस टाइप का नया मैच आप देखना चाहोगे। आयरिश फिप, अरे अंडरटेकर को वापस रिंग में लेके जाना है यार। अंडरटेकर सर चलो वापस आपको रिंग में फेंकना है, अगला ऑब्जेक्टिव ये। अच्छा खासा यहाँ पे मैच चल रहा था यार, हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते मैच को, लेकिन नहीं अंदर लेके जाना है। ठीक है ठीक है, अंदर भी लेके जाएंगे। आ जाओ सर, अंडरटेकर को अंदर लेके जाना है। अरे रिंग में क्यों नहीं गया? अच्छा कोई बात नहीं,
आयरन शिप तो किया था यार, ज्यादा ही जोर से ढकेल दिया लगता है। अरे इतना धीरे आयरिश स्विप करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हल्के से इस बार, जोर से मत फेंकना। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव खत्म। अब क्या करने का है? परफॉर्म अ लूथरन एक्सप्रेस और ऑन द अंडरटेकर, यानी कि सिग्नेचर। पर सिग्नेचर है ही नहीं अपने पास। अच्छा इस मैच में तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है भाई। अरे वाह, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, यानी कि सामान यूज कर सकते हैं, जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन अंडरटेकर ने रिवर्स कर दिया। यार ये हैमर एकदम सही ऑब्जेक्ट नहीं है। सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव चेयर निकालो और पीट दो। लेकिन ठीक है, अब हैमर निकाल लिया तो इसी से अटैक करेंगे, क्योंकि दो बार के बाद तीसरी बार कोई ना कोई रिवर्स करके छीन लेता है और उसे उल्टा मार भी देता है। ये देख रहो, एक तो इतना स्लो है ना हैमर से मारना, जबकि हैमर से मारना और आसान होना चाहिए, जैसे पुराने गेम्स में था। चेयर से ठीक है, चेयर सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट चेयर है, या फिर आप वो स्टिंग का बैट भी अच्छा ऑब्जेक्ट है। मेरे सारे रिवर्सल खत्म हो गए भाई लोग। अगर अंडरटेकर ने अब पकड़ लिया ना मुझे, बहुत मारेंगे, मैं रिवर्स भी नहीं कर पाऊंगा। आराम आराम से जानबूझ के मैं मार रहा हूँ, ताकि एक रिवर्सल कम से कम आ जाए मेरे पास। यार एक भी नहीं है, बस सिग्नेचर आ गया है। सिग्नेचर देना अगला ऑब्जेक्टिव है, फिनिशर में कन्वर्ट नहीं करना है इसको, वरना दोबारा लाना पड़ेगा सिग्नेचर। अंडरटेकर सर अंदर आ जाओ यार, जल्दी से देते हैं सिग्नेचर और अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। मुझे देखना है कि कौन जा रहा है उस गड्ढे के अंदर। हथौड़ा लेके आ रहे अंडरटेकर, अच्छा ही है। आयरिश व्हिप द अंडरटेकर इनटू द स्टील स्टेप्स पे फेंकना अंडरटेकर को, चलो ये भी सही है। बड़ा अल्टर ऑब्जेक्टिव देते हैं, लेकिन करना पड़ेगा अगर स्टोरी देखनी है और सबको अनलॉक करवाना है, तो ये करना पड़ेगा भाई। अरे ये नहीं, नीचे उतरो अंडरटेकर सर, आ जाओ स्टील स्टेप्स, बस पीछे ही है अपने, ज्यादा दूर है नहीं, सिर्फ आपको ढकेल दूंगा, ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इधर इधर, अरे ये तो उल्टा, मुझे अंदर लेके नहीं जाना, अंदर लेके नहीं जाना, ऐसे भी तो पिनफॉल नहीं, अंदर लेके जाने में क्या इतनी मस्ती आ रही है। सर बाहर आ जाओ, अरे पहले मैं तो बाहर जाऊँ। हाँ ठीक है, एकदम मेन टाइम पे बाहर चले। अरे अंडरटेकर एक सेकंड में कैसे कूदे यार, क्रूजर वेट टाइप से अंडरटेकर कूदे भाई, बहुत ही ज्यादा क्विक। और ये गेम के अंदर नहीं दिखा रहा, अंडरटेकर इतने ही क्विक है रियल लाइफ में भी, मतलब थे अपने प्राइम टाइम में, अभी भी होंगे लेकिन पहले बहुत ज्यादा थे। सर एक बार स्टील स्टेप्स पे आ जाओ, अरे रिवर्सल अंडरटेकर सर क्या करते हो, करने दो ना ऑब्जेक्टिव यार। ये बड़ा घटिया ऑब्जेक्टिव, मुझे स्टील स्टेप्स वाला ऑब्जेक्टिव एकदम पसंद नहीं है, लेकिन मिल ही जाता है हर एक मैच को छोड़कर, दूसरे मैच में जरूर रहेगा ये वाला। सही फेंका क्या? हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव खत्म। डैमेज दिया अंडरटेकर शॉक से, स्टनर तो आ ही चुका है, स्टनर दे ही डालते हैं। पता नहीं आगे देने का मौका मिले नहीं मिले, तो इससे अच्छा कि अभी दे ही देते हैं। सामान कुछ है? अच्छा स्टिंग का बैट मिल गया। अरे कितना रिवर्स करते हैं अंडरटेकर एक के बाद एक। वापस करो सर डंडा, और ये लो एक बार और मारूंगा, आई थिंक खत्म हो जाएगा। हाँ अब क्या करने का है? ग्रैपल द अंडरटेकर बाय द ग्रीफ साइड। ओके ठीक है, वहां पे जाके ग्रैपल करना, यानी कि भाई अब कुछ अच्छा सीन दिखाने वाला, और क्यूटीई भी खत्म करना, वो तभी दिखाता जब कुछ स्टोरी मोड चलती रहती है। तो चलो सर वहीं चलते हैं, अपनी फाइट आगे वहीं कंटिन्यू करते हैं। अंडरटेकर को उठा के ले जाने से अच्छा है, अरे ये क्या अंडरटेकर स्टील स्टेप्स लेके आ रहे हैं। सर लेके आ जाओ, कोई फायदा नहीं है अब। मुझे लगता है कि अब जो होगा मैटर वहीं पे होगा, एक आदमी अंदर जाने वाला है। मुझे याद है इसमें कौन गया था, मतलब जब मैं स्टोरी मोड देखूंगा तो याद आ जाएगा, ये तो देखा ही होगा इतना अच्छा मैच है तो। लेकिन इसका एंड याद नहीं आ रहा है मुझे, क्या हुआ था। अंडरटेकर सर आ जाओ, यहाँ पे ग्रैपल करना अंडरटेकर को। गलती से स्टाइल मारा भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, गलती से बटन प्रेस हो गया। ठीक है चलो, अब कोई जाने वाला है भाई अंदर, मेरे ध्यान थोड़ा सा बटन पे भी है कि अगर गलत बटन दबा दिया क्यूटी फेल हो जाएगा। हाँ स्क्वायर, चलो ये सही हो गया। अब अपनी जिम्मेदारी खत्म भाई, अब स्टोरी देखो आराम से। स्टोन कोल्ड अंदर जा चुके हैं गड्ढे में, अंडरटेकर शायद जीतने वाले हैं। अंडरटेकर तो यार बरीड अलाइव करने के बाद ना बिजली भी कड़का देते थे, तो इसलिए वो तो मत ही करवाना स्टोन कोल्ड, सोच समझ के। हाँ निकल गए स्टोन कोल्ड बाहर। कुछ हो रहा है, ये कहां से उठाया यार स्टोन कोल्ड ने। स्टोन कोल्ड अब लगता है अंडरटेकर जाने वाले हैं गड्ढे में,
I think. Stunner. Undertaker teetering here. Look at this. Undertaker gaye gadde mein. Austin with a stunner, and the Undertaker fell into the grave. Austin stuns the Undertaker. Like that Stone Cold jeetne wale hain. In that grave, and there goes the dirt. इतनी सी धूल से क्या होगा, पूरा गाड़ते तब ना, इतनी सी धूल में जीते थोड़ी मैच, बेल तो बजी है नहीं। पॉल बेरर भागे, पॉल बेरर भागे, अच्छे स्टोन कोल्ड दौड़ाने जा रहे हैं उनको, स्टोन कोल्ड पीछे चले गए यार। अब ये मैच में क्या होगा, अंडरटेकर तो ठीक ही ठाक है यार, मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच खत्म नहीं हुआ है भाई लोग, होने क्या वाला है। स्टोन कोल्ड ने दौड़ा दिया पॉल बेरर को, ये चल क्या रहा है, अंडरटेकर मैच खत्म नहीं हुआ है, ये क्या हुआ, केन, 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 मुझे लग रहा है केन है शायद, केन अंदर से कहां से निकले भाई, ये चल क्या रहा है, केन अंदर से कहां से निकले, ये दोनों टीम अप हो रहे हैं या फिर मार होने वाला है भाई, मार होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ मार होने वाली, हाँ डैमेज दी अंडरटेकर, मैं केन बन चुका हूँ, वन पी लिखा हुआ यानी मैं केन बन चुका हूँ, अंडरटेकर को डैमेज करना है, अंडरटेकर पास फिनिशर है यार, ये अंडरटेकर के साथ यार कांड होता है हमेशा, पता है बरीड अलाइव मैच में बहुत बार कांड हुआ अंडरटेकर के साथ, नेक्सस ने भी एक बार कांड किया था आप लोग को याद होगा, ठीक है ठीक है, मेरे पास फिनिशर जब भेज ही देते यार, केन बना के फिनिशर भी दे ही देते, मतलब स्टोन कोल्ड की करियर मोड में मुझे पता नहीं था कि केन भी बनना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है, अच्छा सरप्राइज था, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा केन भी अंदर लेटे हुए थे, कहां से आए भाई, केन कहां से निकल गए, रिंग के नीचे से आते हैं तो समझ आता है ये दोनों साथी में थे क्या, और केन तब से उसी के अंदर इंतजार कर रहे थे, ओ भाई सारा रिवर्सल चला गया, अब अंडरटेकर बहुत पीटेंगे, बस एक लात और मार देता ना मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता, पता नहीं उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव दिखाता, लेकिन वो खत्म हो जाता, धत तेरी की यार, एक लात और मारनी थी बस, अब इसके चक्कर में पिटो सर, नहीं सर बस रिवर्सल आ गया फाइनली, अब फिर से खत्म हो गया, अब इस बार गलती नहीं करनी वरना अंडरटेकर फिर मारेंगे यार, ऐसे पिनफॉल विनफॉल तो करवा नहीं सकते, तो मैच तो नहीं हारूंगा लेकिन मैच लंबा खिंचाएगा, एक लात मार देना, हाँ ठीक है ये भी चलेगा, ग्रैपल दी अंडरटेकर बाय द ग्रेव साइट, अच्छा भाई फिर से कुछ क्यूटी ही दिखाएगा तो ग्रैपल करते हैं, हाँ अंडरटेकर के साथ चीटिंग हो रही है पता है, अभी स्टोन कोल्ड से पूरा लड़े, अब केन भी आके पीट रहे हैं यार, बटन्स पे मेरा ध्यान है, ओ लो ब्लो मार दिया अंडरटेकर ने भाई, चीटिंग का जवाब चीटिंग से, अंडरटेकर टूम एक्स दबा दिया मैंने, ठीक है टूमस्टोन रिवर्स कर दिया, अगर एक्स नहीं दबाता तो शायद टूमस्टोन पड़ जाता, केन ने रिवर्स किया और टूमस्टोन, रेफरी को इतना बुरा क्यों लग रहा है, अब तो भाई अंडरटेकर को कोई नहीं बचा सकता है, लो भाई अब कोई नहीं बचा सकता अंडरटेकर को, लेकिन केन इतनी मेहनत करेंगे, गड्ढा खुदा हुआ तो है लेकिन वो पूरा भरना भी पड़ेगा ना, अरे ये क्या हो रहा है, ये स्टोन कोल्ड लेके आ रहे होंगे पक्का, आई थिंक पॉल बेरर तो लेके नहीं आ रहे हैं ना, वो कॉमेडी हो जाएगा अगर पॉल बेरर लेके आएंगे तो, स्टोन कोल्ड लेके आ रहे हैं भाई, स्टोन कोल्ड लेके आ रहे हैं, केन की हेल्प ले ली, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन स्टोन कोल्ड जीतने ही वाले हैं, बस बस घंटी बजेगी भाई, जैसे ही ये गिरेगा घंटी बज जाएगी, हाँ स्टोन कोल्ड है, अच्छा ऑस्टिन बता रहे हैं कोई कंट्रोल कर रहा है अंदर से, ऑस्टिन उसको बता रहे पीछे करने के लिए, अरे पीछे आ जा आ जा आ जा, और यहाँ पे बस 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 थामा यहीं पे, ठीक है हो गया, आई थिंक जीत गया ना, बेल तो बजा यार, रेफरी ने बेल नहीं बजाया अभी तक, स्टोन कोल्ड पार्टी करने वाले हैं यार यहाँ पे, स्टोन कोल्ड की पार्टी चल रही है यहाँ पे, स्टोन कोल्ड की पार्टी हो रही है, अरे रेफरी भी मजा ले रहा है, स्टोन कोल्ड जीत गए, अब तो जीत ही गए, अब तो भाई गाना भी बज गया, अब तो जीत गए, बताओ यार अंडरटेकर को गाड़ के ये पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, खतरनाक आदमी थे स्टोन कोल्ड यार, अपने करियर मोड में उन्होंने बहुत मतलब कांड किए हैं, चलो ठीक है अगला मैच किसके साथ है यार, इससे पहले वाला मैच तो एकदम मतलब दिमाग से उड़ गया, केन और अंडरटेकर का राइवलरी शुरू हो गया, और पॉल बेरर पता नहीं कहाँ भागे, रिटर्न ही नहीं आए,
पर फिलहाल इस मैच को अगर मैं नहीं जीता यानी कि स्टोन कोल्ड नहीं जीते तो वो रेसलमेनिया में रॉक से फाइट नहीं कर पाएंगे। हाँ चलो बस यही तो मैं चाह रहा था कि कब इन भाई साहब के साथ मैच मिले। कैसे चलने का स्टाइल है यार, जानबूझ के चिढ़ाने वाला बड़ा अच्छा स्टाइल था इनका। आ जाओ स्टील केज मैच होने वाला है। ये मैच मुझे याद है, ये मैंने 2K14 का शोकेस में खेला था, आप में से बहुत लोग को याद होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा भाई उसको याद नहीं दिलाऊंगा मैं। मैच स्टार्ट होने से पहले ही बाहर भाग गए। दौड़ा के मारो यार, धूम दबा के भाग रहे हैं मिस्टर मैकमैन। इतना गंदा भाग रहे भाई, भागते भी बहुत गंदा यार, इतनी अच्छी बॉडी है यार, ऐसे भाग रहे हैं बच्चे ऐसा। अरे क्या बच्चे वाली हरकत यार, छोटे छोटे लात मार के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। चालू निकले यार मिस्टर, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, कुछ सामान फेंक के मारना चाहिए स्टोन कोल्ड को। स्टोन कोल्ड शायद बाहर से अंदर जाने की कोशिश करेंगे। और मिस्टर मैकमैन अंदर नहीं आ, तो भाई फिर मैच रखा क्यों अगर जब लड़ना नहीं था तो। दिमाग लगा रहे किसी तरह, स्टोन कोल्ड उतर रहे अब कुछ और। ओ भाई पैर डैमेज हो गया, मतलब ऐसे तो पैर डैमेज नहीं होना चाहिए था। अब आएगा, अब आएंगे मिस्टर मैकमैन, मिस्टर बुड्ढू जी आने वाले जल्दी अटैक करने के लिए। आ जाओ, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टोन कोल्ड ड्रामा कर रहे हैं या फिर सही में इंजर्ड हो गए यार। पैर डैमेज लग रहा है, नहीं नहीं सही में डैमेज लग रहा है यार। अरे ड्रामा था, ड्रामा था, बढ़िया ड्रामा स्टोन कोल्ड। अब क्या करने का है, Austin feigning and sucker Irish man right into the outside. Mr. McMahon into the steel steps. अरे यार ये वाला objective क्यों देते हैं? Steel steps कहाँ है? ओ भाई steel steps नजर भी नहीं आ रहा, उस side है? अच्छा उस side खींच के लेके जाते हैं? नहीं उस side नहीं, सिर्फ एक ही steel steps है या एक या दो है शायद, उस side एक और होगा। ठीक है उस side लेके जाते हैं। पहले दो इस side रहते थे लेकिन steel cage में door के पास स्टील स्टेप्स रहते हैं, ऐसे इधर भी एक रहता था लेकिन ये स्टील केज मैच है इसलिए इधर कोई स्टील स्टेप्स नहीं है। मिस्टर मैकमैन को थोड़ा अच्छे से पीट लें क्योंकि आगे काम आने वाला है, जितने ज्यादा वीक रहेंगे उतना ज्यादा मैच बाद में जीतने में आसानी होगी। स्टील स्टेप्स के ऊपर फेंका ना तो टकराना चाहिए था अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, इतना डिमांड नहीं करूंगा भाई। 2K16 का शोकेस मोड मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट शोकेस मोड है, टूके ने बहुत अच्छा बनाया है नो डाउट। There's no more brutal बस थोड़ा सा और खींच के लाना है मिस्टर मैकमैन को, गोद में उठा के ले जाना पड़े ना, मैं गोद में उठा के ले जाऊंगा लेकिन मैच शुरू होगा स्टील केज के अंदर चाहे कुछ हो जाए। जो तो स्टील स्टेप्स के ऊपर, अरे 12 तो यार स्टील स्टेप से हल्का सा तो लगा होगा। ये तो गलत जगह दौड़ा दिया मैंने, कोई बात नहीं फिर से खींच के लाते हैं यार। एक ये जो घटिया ऑब्जेक्टिव है ना, ऊपर से एक ही स्टील स्टेप से वो भी सही तो फेंक रहा हूं। मिस्टर मैकमैन जाने का क्या लोगे वहां पे, ऐसे भी तो और फिट नहीं है मैच में, थोड़ा सा और फिट होगी क्या चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। और भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को एकदम फटाफट से कर लो यार, एक सेकंड लगे एकदम जल्दी से करो यार फेल गेम फैमिली। और तब तक मैं मिस्टर मैकमैन को स्टील स्टेप्स पे फेंकने की भाई ये काम को जारी रखता हूँ यार। मिस्टर मैकमैन क्या गड़बड़ी कर रहे हो, चलो ना अब मुझे लग रहा है कि एंगल सही लग रहा है, पर नहीं 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 अभी फिर गलत होगा ये। अब तो एकदम सही है भाई, अब ऑब्वियसली अगर फेंकूंगा तो स्टील स्टेप्स के ऊपर ही जान। अरे ये साइड क्यों चले गए यार, अब ना मुझे लगता है कि ग्रैपल करके घसीट के लाना होगा मिस्टर मैकमैन को, बहुत हो गया। मिस्टर मैकमैन एक ऑब्जेक्टिव क्या मनुष्य आदमी यार, हम लोग धड़ाधड़ ऑब्जेक्टिव खत्म कर देते हैं तो इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं स्टील स्टेप्स वाला। कोई बात नहीं खींच के लाएंगे इस बार, हम लोग सही से करेंगे। मिस्टर मैकमैन चलो ना जी पकड़ के लेके चलते हैं इनको, हाँ अब आराम से खींच के ले जाएंगे, इस बार तो भाई पूरा होगा चाहे कुछ हो जाए। स्टील स्टेप्स को बोलते हैं ना इनके मुंह पे मारने का, वो ज्यादा आसान रहता है, उठा के मार देता है यार मैं। चलो ठीक है अब तो भाई एंगल पूरा सही है, हाँ ये हुआ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। डैमेज मिस्टर मैकमैन आउटसाइड द केज, ऐसे भी अंदर जाने का ऑप्शन तो है नहीं, रिंग के नीचे से कुछ निकाला जाए कुछ नहीं है, क्या मनुष्य रिंग है यार।
कुछ सामान भी नहीं देते यार ये लोग, जानबूझ के सामान रखा नहीं है। डैमेज करना मिस्टर मैकमैन को, ठीक है ये तो हम लोग बहुत ही प्यार से करेंगे और मजे से पीट दो भाई। सिग्नेचर एक आ जाए ना तो मजा आ जाए। अभी एक मैच से मुझे नहीं लगता है कि स्टोन कोल्ड का पूरा करियर खत्म होगा, अभी एक और मैच तो होने ही वाला है। जैसे रॉक और मिस्टर मैकमैन के साथ तो 3-4 मैच रखे ही मैं करियर में। सिग्नेचर आ चुका है, ठीक है सिग्नेचर दूंगा, डैमेज हो जाएगा उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। आई थिंक स्टोरी दिखा सकती है, अगर ये मैच हारे तो रॉक के साथ WWE चैंपियनशिप का मैच नहीं मिलेगा रेसलमेनिया में स्टोन कोल्ड को, तो हारना नहीं है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि रेसलमेनिया में इसके बाद मुझे लगता है कि अगर जीत गए तो रॉक के साथ मैच होगा। ग्रैपल मिस्टर मैकमैन, ग्रैपल कर लिया भाई, लो ब्लो दे दिया मनहूस ने यार। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी इस मैच में, रिंग के नीचे कुछ मुझे भी सामान दे देते। अंदर भाग गया मिस्टर मैकमैन। अच्छा अभी तक पता आप लोगों को घंटी नहीं बजी है, नोटिस किया ये बात, क्योंकि दोनों तो रिंग के अंदर कभी थे ही नहीं तो घंटी बजी ही नहीं। जब दोनों अंदर जाएंगे तब तो घंटी बजेगी यार। दोनों अंदर जा रहे फाइनली फाइनली। ओ भाई ये लोग इस साइड कैसे आ गए यार, हम लोग तो उस साइड थे ना, मतलब स्टोरी मोड है तो कुछ भी दिखा दोगे। ठीक है कोई बात नहीं, टेबल पे गिर गया मिस्टर मैकमैन, ये तो अच्छा ही लगा, पर अभी तक घंटी नहीं बजी है, मैच शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक। मिस्टर मैकमैन की बैंड बज गई है। ओ स्ट्रेचर आ चुका है, स्ट्रेचर से याद है स्ट्रेचर मैच भी होना चाहिए, याद है आप लोग स्ट्रेचर में मतलब अपोनेंट को रख के एक लाइन तक पहुंचाना रहता था, जिसने पहुंचा दिया वो जीत जाएगा। ये क्या अनाउंसमेंट करने आया कि मिस्टर मैकमैन कम्पीट नहीं करेंगे, ले जाओ मिस्टर मैकमैन को, कोई काम नहीं है इनका। स्टोन कोल्ड ने माइक छीन लिया, ऐसे तो मैच खत्म नहीं करेंगे स्टोन कोल्ड, क्या सोच रहे हैं, भगा दिया अनाउंसर को। When I came here, I said I made a few guarantees going into this match, which haven't happened yet. जो जो गारंटी दी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। As far as I'm concerned, the match never really started because when the bell never rang and we was never in the ring at the same time, so. तो स्टोन कोल्ड इतनी आसानी से नहीं हारने देंगे मिस्टर मैकमैन को। Jackass, that's you in the black. Is the son still breathing? पूछ रहे सांस तो ले रहा है ना अभी तक? Well, since he is still breathing, if you want me to finish this can of whoop ass, give me a hell yeah. भाई चैट में एक बार हेल या हो जाए भाई, स्टोन कोल्ड के लिए हो जाए यार एक बार। स्टोन कोल्ड बाहर से घसीट के लेके आएंगे, क्योंकि मैच शुरू ही नहीं हुआ था, घंटी बजी नहीं, तो इतनी आसानी से स्टोन कोल्ड जीतना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मिस्टर मैकमैन कम्पीट करने के तो हालत में लग रहे नहीं किसी भी एंगल से, पर स्टोन कोल्ड फिर भी घसीट के लेके आएंगे और मैच को पूरा करेंगे। स्टोन कोल्ड तो रेसलमेनिया में जाने की टेंशन नहीं थी, उनको मिस्टर मैकमैन को पीटने का ज्यादा मतलब उनको चस्का था, ये अच्छा है होना चाहिए। भगा दिया सबको और अब मिस्टर मैकमैन जाने वाले तेल लेने। अरे रे 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 मिस्टर मैकमैन को बहुत पीटते थे यार स्टोन कोल्ड, हॉस्पिटल में घुस घुस के पीटा है, इसीलिए एटीट्यूड एरा इतना ज्यादा सक्सेसफुल था, स्टोन कोल्ड का बहुत बड़ा हाथ था। पड़ा बेचारे को, चलो ठीक है अब अंदर ले आने का टाइम आ गया भाई लोग, पर अंदर उठा के ले जाएंगे क्या? नहीं, डोर तो खुला ही हुआ है। अब घंटी बजेगी भाई, आधा मैच हमने खेल लिया है, घंटी अभी तक नहीं बजी है, ठीक है रेफरी को भी कांड, रेफरी को भाई ये सब स्टोन कोल्ड ही कर सकते हैं। एटीट्यूड एरा में रेफरी का कोई वैल्यू नहीं था, ठीक है बात क्लियर है, अभी अभी है लेकिन पहले बहुत कम था, हर मैच में रेफरी पिटता था जरूर से। घंटी बजी, अभी जाके घंटी बजी है 10 मिनट के बाद। चलो आई थिंक मुझे मिलने वाला है स्टनर, है ही मेरे पास तो स्टनर, क्या करना है? तो मैं स्टनर देने जा रहा था यार, सेकंड रोप एल्बो ड्रॉप, ठीक है ये तो आसानी है, मिस्टर मैकमैन पहले ही से पिटे हुए हैं,
तो ऑब्जेक्टिव पूरा करने में ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, फिर से स्टोरी दिखाने लगी। This crowd going crazy for Stone Cold Steve Austin. इस से भी कूदेंगे स्टोन कोल्ड। But first he wants to demolish. स्टील के जो बाहर भाग के जीतना चाहते हैं या फिर पिनफॉल करने के लिए, अंदर तो कोई रेफरी है ही नहीं। तो आई थिंक ये वाले मैच भी जीतेंगे, सिर्फ एक ही तरीका है, बाहर भागना है, वरना रेफरी अंदर रहता पिनफॉल करने के लिए। दरवाजा खुलवा लिया स्टोन कोल्ड ने, अरे मेरे टाइम में तो नहीं खोलता है मनु से रेफरी, अभी बड़ा जल्दी खोला। बुला रहे हैं मिस्टर मैकमैन फिर से, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ स्टोन कोल्ड अंदर जाओ, लगता है और पिटना है इनको, और पिटते भाई, ऐसा क्या है, अच्छा ही है, मैं तो चाह ही रहा हूँ कि पीटू इनको। और बताओ भाई अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रैपल करना था और मैंने जैसी ग्रैपल किया फिर स्टोरी शुरू हो गई है। पीटो पीटो बढ़िया से भागने से, मतलब रिंग के बाहर भागेंगे तभी जीत सकते हैं, जीते हैं बस वही तरीका है। ऐसे स्टील केज मैच में पिनफॉल या सबमिशन भी होता है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ये वाली सिचुएशन नहीं है। इतना तो पिट गया यार, खून भी निकल गया, अब हार मान जाओ ना चुपचाप से, कम नहीं थे मिस्टर मैकमैन भी। चलो स्टोन कोल्ड चले बाहर, ठीक है बाहर जा रहे हैं, बहुत ही आराम आराम से जा रहे हैं बाहर, ऑलमोस्ट निकल। अरे रे 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 मिस्टर मैकमैन, क्या पिटाऊ आदमी है यार, एक स्टनर मेरे पास है ना, मुझे मिलेगा तो मैं दे दूंगा स्टनर। वापस चले गए स्टोन कोल्ड, स्टोन कोल्ड भी यार चले ही जाते बाहर, उसके बाद मार लेते, मैच खत्म होने देते, हो सकता है चालो मिस्टर मैकमैन की। अरे मिस्टर मैकमैन अचानक से जोश में आ गया है, परफॉर्म अ चार्ज फिनिशर, बस वही तो करना है। अरे नाक में उंगली मत डालो, अरे ये तो अचानक से पीटने लगे यार, क्या जोश आ गया इनके अंदर। अरे भाई साहब देख रहे हो, अचानक से पता नहीं कौन सी आत्मा आ गई, ये क्या करना क्या चाह रहे हैं, हट अब पड़ेगी, रिवर्स कर दिया, हो रिवर्स भी कर दिया भाई, ये क्या हो गया इनको अचानक से, ज्यादा ही जोश में नहीं आ गए मिस्टर मैकमैन, आई थिंक भागने के चक्कर में, हाँ बड़े आए भागेंगे, एक मिनट खींच के इनको नीचे लाना होगा, चार्ज फिनिशर देना यही ऑब्जेक्टिव है, तो भाई ये भी दे ही देते हैं। चलो फिर से स्टोरी दिखाने लगी है, स्टनर देने जा रहे हैं, ये फाइनल स्टनर होना चाहिए आई थिंक, खत्म खेल, बूम ओवर, अब बाहर चलो यार स्टोन कोल्ड, अब इतना तो पीट दिया, मतलब अब क्या करना है। बिग शो, बिग शो है, बिग शो है, बिग शो है, डब्ल्यू सी डब्ल्यू से उस टाइम आए थे WWE में, पॉल वाइट नाम था बिग शो का, बिग शो का ये डेब्यू था WWE में। मिस्टर मैकमैन के साथ ही आएंगे, हाँ मिस्टर मैकमैन ही के साथ देने के चक्कर में, भागने का दो दो बार मौका था स्टोन कोल्ड के पास, लेकिन भागे नहीं स्टोन कोल्ड, और मिस्टर मैकमैन करी आ रहे हैं यार, अच्छा खासा स्टोन कोल्ड मजे ले रहे थे, लेकिन बिग शो पता नहीं रिंग को फाड़ के आए यार, फेंकने बोल रहे हैं स्टील केज के ऊपर, ठीक है ठीक है, देखना टूट के बाहर नहीं चले जाए कहीं स्टोन कोल्ड, वरना मैच खत्म, बस 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 दिमाग लगा लेना चाहिए थोड़ा सा, स्टोन कोल्ड जीत गए, थैंक्स टू बिग शो, थैंक यू बिग शो जिताने के लिए, मिस्टर मैकमैन रो रहे हैं, स्टोन कोल्ड जीत गए, रेसलमेनिया में जा रहे हैं स्टोन कोल्ड, रॉक के साथ WWE चैंपियनशिप का मैच होने वाला है फिर से। चलो सही है, तो भाई आज के गेम प्ले हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और आप लोग कमेंट करके बताना कि बोनस मैच जैसा भी आप देख रहे हो वो मैच स्टोरी मोड में नहीं आता है, लेकिन वो भी हम लोग खेले क्योंकि 5-6 बोनस मैच अनलॉक हो चुके हैं अभी तक, या फिर हम लोग शोकेस खत्म कर देंगे उसके बाद भी खेल सकते हैं सारे एक ही वीडियो में। तो भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।